हेलो मेरे दोस्तों आज हम लोग सी बोर्ड के नाइन्थ क्लास के हम लोग पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन अलज्रिक का तो यह क्वेश्चन जो आपको नाइन्थ क्लास से उठाया गया है जो मतलब कि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में जो मतलब कि एस एस रेलवे के है, इस एग्ज़ाम में पूछ सकता है और साथ में साथ जो नाइन्थ क्लास के बच्चा सैनिक स्कूल के मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछ सकता है आते क्वेश्चन में है क्या ऐसा कि यह क्वेश्चन हम आपको नोट किए है बहुत महत्वपूर्ण बन गया है देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन को। देख जो कह रहा है कि x आपको दिया हुआ है टू प्लस अंडर तीन इसके मान निकालना, निकालना? निकालना। देखिए यह एक मतलब कि इरेशनल नंबर है अब क्या करना है इसको हम क्या करेंगे इसको लाने के लिए अब इसको देखना पड़ता है क्या इसको कंजुगेट हम कर देते हैं इस कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके देख ले रहे तो कंजुगेट के मल्टीप्लाई अगर कर दे रहे इसको तो क्या कि क्या, क्या आ रहा है तब तो टू प्लस रूट अंडर तीन जो है आपका इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए तब तो मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूला पे बैठेगा इसका मतलब कि टू का स्क्वायर और माइनस रूट अंडर तीन का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट अंडर दो का स्क्वायर चार हो जाएगा इसका तीन हो जाएगा तो वन इसका मतलब कि इसका वन आ रहा है इस जब भी वन कंडीशन में आता है ना तो हमको कोई दिमाग ज़्यादा हम लोग को हेर फेर नहीं करना है क्या करेंगे इसको वन प्लस वन बाई एक्स इसको वन प्लस जो था अगर यहाँ वन प्लस रूट यहाँ टू प्लस वन रूट थ्री है उसके बाद क्या करेंगे इसको माइनस बीच में माइनस करके जोड़ देंगे हो गया उसके बाद इसका मान आ गया अब एक्स प्लस वन बाई एक्स के मान जब आ गया तो इसका हमें स्क्वायर का आपको मान निकालने के बताया है तरीका तो वन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा इसको स्क्वायर कर इसको स्क्वायर करके आ दो घटा लेना है तो हो जाएगा आपका सो सोलह हो जाएगा ए हो जाएगा आपका चौदह आंसर आ जाएगा तीन क्वेश्चन यी था और ध्यान देना जरूरी यह कि मान लीजिए बच्चा इस तरह के बना रहा है इससे सोच रहा है अच्छी बात है और मान लीजिए कि इसको यह बनाने नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे इसको दोनों तरफ स्क्वायर यहाँ तो, 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 तो बना लिया जब भी कोई भी यहाँ दे दे जैसे कि मान लीजिए चार दे दिया यहाँ पर और उसके बाद यह दे दिया आपको तीन पाँच पंद्रह पाँच यहाँ पर दे दिया आपका तो यह दे दिया अगर इसके मान यह दे दिया तो पूछ रहा था इसके मन का इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा जस्ट चार प्लस रूट अंडर पंद्रह तो इसका आंसर अगर मान लें कि इसको निकाला, निकालना है तो क्या करेंगे चार प्लस रूट अंडर पंद्रह चार प्लस रूट अंडर पंद्रह हो जाएगा तो इसको स्क्वायर निकालना मान लीजिए इसको स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ध्यान देखिए यहां भी प्लस है यहाँ प्लस है इसको आठ के स्क्वायर करके इसमें दो घटा लिया जाता है समझ बात को तो अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो यहां पर जोड़ दिया जाता था तो पर चौसठ में से ये दो घटा लेंगे तो हो जाएगा अगर जो बच्चा दोनों साइड स्क्वायर ले गया तो चौसठ के आठ के स्क्वायर जो होगा चौसठ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई टू इंटू x इंटू वन बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा चौंसठ तो इसका मान तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा ये कट जाएगा ऊपर नीचे हैं तो इक्वल टू हो जाएगा चौंसठ तो यह दो ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा चौंसठ में से दो जाएगा इसका मान आ जाएगा बासठ तो देखिए ये इस तरीका से भी निकाल सकते हैं बट आपका एक ईजी तरीका है इस तरह बनाने का तो आयुप समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत तेजी था अब आते अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग कदम रखते हैं देखते हैं आयु पे समझ गए होंगे एक पे और क्वेश्चन करेंगे आपको समझाने के प्रयत्न करेंगे हद से ज़्यादा प्रयत्न करेंगे उसके बाद इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसके आधार पर क्वेश्चन दोनों है क्वेश्चन को दो बार सॉल्व कीजिएगा पक्का है कि आपको हंड्रेड एकदम माइंड में बैठेगा कभी भी भुलाइएगा नहीं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है वाह कह रहा है कि x के मान दिया आपका रूट अंडर टू प्लस वन बाई रूट अंडर टू प्लस टू माइनस रूट अंडर टू माइनस वन दिया है रूट ये वाई के मान दिया है रूट अंडर टू माइनस वन रूट अंडर टू प्लस वन दिया अब ध्यान देना जरूरी है कि हम अभी जस्ट बताए हैं कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अगर उसको वन आ जा रहा है तो हम एक दूसरे के रेसिप्रोकल कर लेते हैं कंजुगेट कर लेते हैं जैसे एक से अगर इन टू और वाई कर दे रहे हैं तो इसका वैल्यू है टू प्लस रूट अंडर रूट अंडर टू प्लस वन टू इन रूट अंडर टू माइनस वन हो जाएगा रूट अंडर टू माइनस वन और रूट अंडर टू प्लस वन ये देखिए कट जाएगा ये ऊपर नीचे तो यू आ गया इसका मतलब कि एक दूसरे के रेसिक प्रो यह एक दूसरे के उल्टा है एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रोकल हैं यहाँ से हमको एक ज्ञात बात हो गया अब क्या करेंगे हमको ज्ञात हो गया तो क्या करेंगे एक्स प्लस वाई हमको जरूरत पड़ेगा क्योंकि देखिए यह जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स वाई प्लस वाई, वाई स्क्वायर इसको क्या करेंगे हम इसको हम फर्मला बिठा रहे हैं एक्स स्क्वायर इसमें अगर एक्स एक और रहता है या, अगर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बट कह यहाँ पर यहाँ पर जो है ना दो गो नहीं है एक्स वाई इसलिए इसमें गड़बड़ी हो जा रहा है तो क्या करेंगे एक्स वाई एक लाएंगे ला दिए आए एक घटा लेंगे लाए यहाँ तो घटाना पड़ेगा ना मेरे दोस्तों तो क्या इसको घटाना पड़ेगा तो क्या होगा इसको हम घटा दिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई

तो याद रखिए रखिएगा यह फॉर्मूला ए रूट एंड टू प्लस वन का स्क्वायर प्लस रूट एंड टू माइनस का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर टू माइनस वन इंटू रूट अंडर टू प्लस वन ये ये लग रहा है कि ए प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बट यहाँ पर हो जाएगा यह फार्मूला जो होगा आपका इस्तेमाल जो होने वाला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसका जो मान होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी ए स्क्वायर इसका जो मान होता है बचवा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी ए स्क्वायर तो टू बी टू टू ए बी टू बी कट जाएगा तो ए दू गो ए तो हो जाएगा टू ए स्क्वायर इसमें भी टू है ए Square, square, गो है। तो बी एक्वाइयर दो तो बी स्क्त इंटू एक्त यह, तो मतलब यह, यह फॉर्मूला जब आ गया इसका मतलब टू इंटू हो जाएगा टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा यहां जो फॉर्मूला लगेगा यहां पर तो यहां पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पर फॉर्मूला बैठा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा दो प्लस वन आ इंटू दो ये हो जाएगा दो माइनस वन तो हो जाएगा दो गुना तीन आ बाई वन तो हो जाएगा आपका आंसर छः इसका मतलब एक्स प्लस वाई का मान है छे मेरे दोस्तों ये साफ कर रहे हैं आप इसको नोट करिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए मे मेरे को यहाँ पर इसका मान जो आ गया है इसका मान आपको आ गया है यहाँ पर इसको साफ का दिएज कर दे रहे हैं इसका जो मान आ गया x प्लस वाई का मान आ गया मेरे को सिक्स आ गया इसका सिक्स का स्क्वायर माइन यहाँ ध्यान देंगे इसका सिक्स का स्क्वायर हो गया उसके बाद इसका मान वन थर्टी सिक्स में से वन चल जाएगा थर्टी फाइव अब बात रहा कि इसको हम थोड़ा सा और इजी कैसे कर लें तो ध्यान दे, देना जरूरी है कि इस तरह के अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आता है देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर अगर इस तरह के जो भी है एक दूसरे के रेसिप्रोकॉल आता है एक दूसरे के हम चेक करने के बाद वन आ जाएगा जा, आ जाएगा आ इस तरह के रूट अंडर में है तो क्या करते हैं हम कुछ नहीं करेंगे ओनली फॉर जितना रहेगा क्यू स्क्वायर करना रहेगा तो उसको स्क्वायर करके और क्या करेंगे हम इस तरह के लिख लेंगे बस दोनों को देखेंगे अंतर क्या है अगर अंतर रहेगा मान लीजिए यहाँ पर अगर रूट अंडर तीन है यहाँ पर वन है तो क्या करेंगे हमको यहाँ पर स्क्वायर करेंगे यहाँ पर बट यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर वन लिखे थे ना यहाँ पर क्या करेंगे हम दो लिख देंगे क्योंकि दो का अंतर है यहाँ पर जो जितना का अंतर है क्या यहाँ पर लिख देंगे बस हमको कोई दिमाग आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है जितना अंतर है वहाँ पर लिख देना है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रहेगा सेवन रूट अंडर थ्री आ, यहाँ पर हो जाएगा सेवन इस तरह का रहेगा तो तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए जो रहेगा रूट इस तरह का अंतर देखिए कितना का अंतर है, है बताइए चार का तो क्या करना पड़ेगा दो इंटू हो जाएगा रूट अंडर सात का स्क्वायर प्लस रूट अंडर तीन का स्क्वायर बाई हो जाएगा आपका चार तो चार ले कट जाएगा या दो, दो बचेगा यहाँ पर हो जाएगा आपका चार सात प्लस तीन बाई दो मतलब दस पांच आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों यह इजी है मतलब कि यह तरीका सबको बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं तो सल्ब कीजिए कोई हार्ड नहीं है सल्बी करना कोई हार्ड नहीं है नाइन्थ क्लास के लिए बच्चा के लिए कोई हार्ड नहीं है मेरे दोस्तों तो यह क्वेश्चन इजी था आपको समझ में आया होगा एक और क्वेश्चन उठाते हैं आपके बुक से के मान दिया है वन बाई इसका वैल्यू पूछ रहा है एक्स एक्स फोर इंटू एक्स पावर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एटेक्स प्लस इतना इक्वल टू वाट देखिए यह क्वेश्चन बहुत ईजी है बट इसको समझना पड़ेगा पहले तो क्या करना पड़ेगा इसको रेशनलाइज कर दिया रेशनलाइज मीनस इसको जो प्लस यहां पर माइनस है प्लस के ऊपर ले जाइए तो रूटर थ्री प्लस वन तो नीचे भी प्लस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो रूट थ्री तो आ जाएगा आपका यहां बनेगा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस था तो यहाँ प्लस लिया गया यहाँ पर माइनस था देखिए माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा प्लस रहेगा तो माइनस लेना पड़ेगा समझिए तो यहाँ पर लिया इसका हो जाएगा रूट अंडर थ्री प्लस वन बाई हो जाएगा आपका रूट अंडर थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर थ्री प्लस वन तीन में से वन जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर थ्री प्लस वन बाई टू मतलब कि आपका x के मान यहाँ आ गया उसके बाद अब क्या करेंगे इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उसका ध्यान देना जरूरी है यह आपका क्यूबिक है पोलोमियल अब क्यूबिक पोलोमियल का फैक्ट्राइजेशन खोला थोड़ा सा मतलब कि मुश्किल होता है इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड होता है अब आते हैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इसमें जो कॉमन है एक्स यहाँ से निकाल ले रहे हैं तो आपको इजी हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एट हो जाएगा थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे दोस्तों आते हैं इसको साफ कर दे रहे हैं इसको वैल्यू साफ कर दे रहे हैं क्योंकि इसका मान निकाल लूगे लिखे यहाँ पर लिख दे रहे डायरेक्ट इसका मान यह नहीं हो सकता तो ये भी हो यह हो जाएगा यह भी हो जाएगा लिख लिया अब इसके मान क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा तोड़ दे रहे हैं कि टूट जाएगा तो अच्छी बात है इसमें से टू कॉमन निकल जाएगा टू कॉमन निकल जाएगा यहाँ पर तो टू वैल्यू डाल देंगे फैक्टलाइज कर लेगा फैक्ट हो जाएगा इसका नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे हम इसको टू बार निकाल टू एक्स स्क्वायर एक्स फोर हो जाएगा या आपको तोड़, तोड़ेगा तो नहीं वन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर फोर हो जाएगा फोर इंटू टू इंटू टू तो हो जाएगा आपका सिक्सटीन प्लस वन हो जाएगा सेवेंटीन हो जाएगा इसका नहीं हो पाएगा तो क्या करना पड़ेगा इसको हमको वैल्यू डालना पड़ेगा ये हो या टू एक्स उसके बाद यहाँ पर टू एक्स यहाँ पर हो जाएगा आपका टू एक्स यहाँ एक्स निकाल लीजिए कॉमन हो गया सोल्व करें भी आपको इजी थोड़ा सा सोल्व हो जाएगा इसका मान डाल दीजिए अब टू इन टू हो जाएगा रूट अंडर थ्री प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर थ्री प्लस वन बाई टू यहाँ पर हो जाएगा आपका टू रूट अंडर थ्री प्लस वन बाई टू थोड़ा सा क्योंकि आपको इजी हो गया सोल्व करना यहाँ से कट जाएगा तो रूट अंडर थ्री हो जाएगा आपका तो यहां पर रूट थ्री प्लस वन बाई टू हो जाएगा या टू टू कट जाएगा तो रूट थ्री प्लस टू हो जाएगा अब ध्यान देना जरूरी है यहां पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यह जो आएगा रूट थ्री तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू रूट थ्री इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री तो हो जाएगा टू बाई हो जाएगा टू माइनस हो जाएगा फोर अब क्या करना पड़ेगा इसको ध्यान देंगे फाइव प्लस थ्री टू थ्री बाई टू माइनस हो जाएगा फोर तो इसमें हो जाएगा आपको एट घटाना पड़ जाएगा तो फाइव प्लस रूट थ्री यहां पर हो जाएगा आपका एट बाई टू अब क्या करना पड़ेगा ध्यान देने के बच्चे मेरे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइव रूट अंडर रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस वन हो जाएगा यहाँ पर बाहरी आपको सात है अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा आपका थ्री इंटू रूट अंडर थ्री इंटू रूट थ्री और माइनस थ्री हो जाएगा बाई टू आपको इजी हो जाएगा इसमें से थ्री बाहर निकाल लेंगे रूट और थ्री माइनस वन इंटू हो जाएगा रूट अंडर थ्री प्लस वन आ बाई हो जाएगा टू तो ये हो जाएगा आपका थ्री इंटू हो जाएगा या देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बढ़ गया तो रूट अंडर थ्री इन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर बाई हो जाएगा आपका टू तो थ्री हो जाएगा आपका या तीन हो जाएगा माइनस वन और बाई टू तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा थ्री इंटू टू और बाई टू हो जाएगा आपका या थ्री हो जाएगा बट क्या हो जाएगा ध्यान जरूरी है कि थ्री आप सेवन सेवन एड करके चल रहा था इसमें तो क्या हो जाएगा आपका सेवन प्लस थ्री ये हो जाएगा आपका टेन टेन आपका आंसर आ गया देखिए इसमें क्या था कि हम फैक्ट थोड़ा सा कर लिए थे आप फैक्टलाइज करके क्या करते थोड़ा सा इजी कर दिए क्योंकि फैक्टिलाइज थोड़ा सा आपको इजी कर दिया कैलकुलेशन को नहीं तो अब बहुत बड़ा रहता तो अब तो मुश्किल का सामना करना पड़ता ए प्लस ए प्लस का था ए प्लस बी का होल क्यों लगाना पड़ता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ता दो को फॉर्मूला यूज करना पड़ता तब आपका बनता था हार्ड तो नहीं था बट हम क्या कर दिए सोचे कि आपको इजी प्रोसेस कर दिया गया ये आपको इजी प्रोसेस से आपको कैलकुलेशन इजी हो गया तो आई होप समझे होंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं एक ठोर क्वेश्चन देखते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बनाइए इसमें और जो भी आपको नहीं बन पा रहा है बनाने के मतलब कि पूछने के प्रयत्न कीजिए एक क्वेश्चन आपको दे के छोड़ रहे हैं एक्स के मान आपको दिया है, थ्री प्लस रूट अंडर टू इंटू रूट अंडर टू तब पूछ रहा है कि एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के मान किया होगा साथ में पूछ रहा है एक्स एक्स पावर फोर प्लस, 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 प्लस टू पे एक्स वन बाई एक्स पावर फोर इसका मान किया होगा इतना आप इसको निकाल के आप कमेंट बॉक्स में बताइए है ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक ले जाने की अनुमति दीजिए जय हिंद